दोस्तों, शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी से 9 गुना बड़े इस ग्रह को एक गैस दानव कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस ग्रह पर इंसान क्यों नहीं रह सकते हैं, इसके क्या रहस्य हैं। दरअसल शनि ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। यह पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेज हैं। ऐसे में यहाँ इंसानों का रह पाना लगभग नामुमकिन है। शनि ग्रह का औसत तापमान 178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में यहाँ इंसान बसने की सोच भी नहीं सकता। शनि उन 5 ग्रहों में से एक है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। यह सौरमंडल की 5वीं सबसे चमकीली वस्तु भी है। शनि ग्रह का वायुमंडल लगभग 96% हाइड्रोजन और 4% हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, फॉस्फीन और मीथेन जैसी गैस भी पाई जाती हैं। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यहाँ दिन छोटे होते हैं और पृथ्वी पर इसकी तुलना में वर्ष लंबे होते हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बेहद ही शक्तिशाली है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस ग्रह पर पाई जाने वाली ऋतुएं शनि ग्रह की स्वयं उत्पन्न की गई गर्मी से बदलती हैं। इस ग्रह का मौसम सूर्य पर निर्भर नहीं करता। अब तक कुल 4 अंतरिक्ष यान शनि का दौरा कर चुके हैं। ये है पायोनियर 11, वोएजर 1, वोएजर 2 और कैसिनी। कैसिनी ने 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया था। शनि ग्रह का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। इसका तापमान 11700 डिग्री सेल्सियस तक के स्तर को आसानी से पार कर लेता है। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी रिंग्स। जब शनि की रिंग्स को खोजा गया, तब खगोल शास्त्रियों को लगता था कि यह इस ग्रह की खास रचना है, लेकिन जब अरुण ग्रह की रिंग्स की खोज हुई, तब साफ हो गया कि ग्रह के पास रिंग्स का होना उस प्लेनेट का ही एक गुणधर्म है। यह रिंग्स ज्यादातर बर्फ, धूल और पत्थरों से मिलकर बनी है, जो एक छोटे से कण से लेकर विशाल घर जितने बड़े हैं और कुछ तो पर्वत के समान भी हैं। अनुमान लगाया गया है कि सेटर्न के यह वलय धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और चंद्रमा के टुकड़ों का मलबा है, जो ग्रह की ग्रेविटी की वजह से कक्षा में आ गए होंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या शनि ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि नहीं, हम इस ग्रह पर नहीं रह सकते, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट सिर्फ गैस से बना हुआ है, जिस पर आप जमीन को देखने की बात छोड़ ही दो। सौर मंडल का सबसे ज्यादा चांद वाला ग्रह शनि है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का 83 चांद खोजा जा चुका है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह की 150 से भी अधिक चांद हो सकते हैं। सैटर्न ग्रह पर एक सफेद रंग का धब्बा भी दिखाई देता है, जिसे ग्रेट व्हाइट स्पॉट नाम दिया गया है। असल में यह कोई धब्बा नहीं, बल्कि कई तूफानों से मिलकर बना एक बहुत बड़ा तूफान है, जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमें हर सैटर्नियन ईयर में एक बार दिखाई देता है, मतलब हमारे 29.5 सालों में एक बार। अंदाजा लगाया गया था कि अगली बार यह 2020 में दिखाई देने वाला था। यहाँ पर हवा की गति 322 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई है। इस तरह की अजीब रचना अब तक पूरे सौरमंडल में कहीं पर भी देखने नहीं मिली है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन है, साथ ही यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। पहले स्थान पर बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड है। यह हमारे चांद और बुध ग्रह दोनों से बड़ा है। यह पहला ऐसा उपग्रह है जिस पर वातावरण और बादल देखने को मिले हो। साल 2005 में स्पेस मिशन हाइजन्स ने इस पर लैंडिंग की थी और इस चांद की खोजबीन की थी। उम्मीद यही है कि भविष्य में हम इस ग्रह पर जीवन बना सकेंगे और इंसानी दुनिया बसा सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।